हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज राखी का दिन हो गया है, 31 अगस्त है। टाइम हो रहा है सुबह के करीब, बज गए हैं 8:30। और अभी जो है ना, बच्चों को रेडी कर दिया है। ये देखिए, धैर्य भी बिल्कुल रेडी है नए कपड़े पहन के। काव्या बिल्कुल रेडी है। ये देखो, काव्या को भी बहुत सुंदर से रेडी किया है, बहुत अच्छी लग रही है काव्या भी। और देखो मेरा पर्स, बहुत अच्छी लग रही है। और उर्वी जो है ना, गई है अभी ऊपर, तो बस अभी धैर्य को राखी बंधेगी पहले। बुआ भी आ गई है, बुआ जो है ना चाय पी रही है। बुआ तो कल शाम को ही आ गई थी। बुआ हेलो बोलो। हेलो। तो बुआ चाय पी रही है। बुआ कल शाम को ही आ गई थी बेचारी, और बुआ के पैर में चोट लग गई। देखो दोनों पैरों में, देखो कैसे लगवा रखी है चोट, पता नहीं क्या लग गया। सो फ्रेंड्स, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई, नहा ली हूँ, लेकिन प्रेस व्रेस कपड़े रख रखे हैं। बस पहले बच्चों को राखी वगैरह बंधवा दूँ, फिर मैं भी निकलूँगी। तो अभी पहले जो है ना, तो जी बस यहाँ पर पहला नंबर भूमि का था, भावना का था, मतलब सबसे बड़ी भूमि है, तो पहले भूमि ने बांधी थी राखी, फिर उसके बाद भावना का नंबर था तो भावना ने बांधी थी। और ये दोनों ना इतने नखरे कर रहे थे बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर उर्वी का नंबर था, उर्वी थर्ड नंबर पर है, तो उर्वी का थर्ड था। तो यहाँ पर जो है ना, पहले धैर्य को राखी बन रही है क्योंकि धैर्य बड़ा है, फिर रोहन को, रोहन छोटा है। और रोहन के लिए ना लाइट वाली राखी लेकर आए ना, तो ये लाइट वाली राखी के लिए ना बार बार मतलब उत्सुक हो रहा था, बार बार सुख कह रहा था मुझे चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, धैर्य को मिठाई नहीं खानी, पता नहीं क्या हो गया इसको। और अभी जो है ना, इसका मन बिल्कुल नहीं था मिठाई खाने का। तो अब आ गई रोहन की बारी। उधर दूसरी तरफ काव्या बांध रही है रोहन को, फिर धैर्य को, सॉरी पहले धैर्य को फिर रोहन को। तो यहाँ पर जो है ना, इनकी राखियाँ तो बंध गई थी बहुत सारी, लेकिन इनको गर्मी इतनी लग रही थी, बोल रहे थे नहीं हमें नहीं बंधवानी और गर्मी बहुत है, हम खोलेंगे इसको। लेकिन फिर भी जो है ना, मैंने जैसे तैसे करके इनकी राखियाँ जो है ना बंधवा दी थी। अभी यहाँ पर जो है ना, दोनों की राखी बन चुकी है। सो सबसे पहले शुरुआत बच्चों से ही तो होती है, क्योंकि घर में ना सबसे छोटे बच्चे ही होते हैं, तो बच्चों से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर बस अब उर्वी के पापा का नंबर आ गया था, तो उर्वी के पापा की राखी बंध चुकी है। सबसे पहले उर्वी के पापा को ही बांधी, आज शुरुआत बुआ ने ना मतलब ऊपर से ही करी थी। ऊपर आई थी नाश्ता करने, तो बस यहाँ पर अपनी थाली वगैरह लेकर आई, तो पहले शुरुआत में ही पहले उर्वी के पापा को बांधी, मतलब अभी तक पापा को नहीं बंधी, किसी को नहीं बंधी थी। तो यहाँ पर अब मेरा नंबर है, तो मेरी भी राखी जो है ना बंध गई है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने दिया था बुआ को, सूट दिए थे और पैसे दिए थे, तो मतलब सूट बुआ को पसंद आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बोल रही थी बहुत अच्छा है। टाइम नहीं था, वरना मैं सिलकर भी देती। तो यहाँ पर जो है ना, बस हमारा काम हो गया था ख़त्म। अभी बुआ आ गई थी नीचे, पट्टी बंधवा गई है और भी पापा से अभी। सो जी बस यहाँ पर आ गया था नंबर छोटे वालों का, तो ये जो है ना मुझसे छोटे वाले हैं और देवर हैं हमारे। तो बस यहाँ पर जो है ना, इनको टीका हो गया था, फिर उसके बाद जो है ना आ गई थी बारी सबसे छोटे वालों की। तो यहाँ पर जो है ना, बुआ नंबर वाइज लगा के जा रही थी, तो इनका भारती का भी नंबर आ गया था अभी। बस यहाँ पर इनको राखी बन गई, तो नंबर वाइज नंबर आ रहा था आज, मतलब वैसे तो यूजुअली हमेशा बुआ है ना एक साथ बांध देती थी सबको, लेकिन आज जो है ना बस नंबर वाइज आ रहा था। अभी आ गया छोटे वालों का नंबर, और फ्लोर भी चेंज हो गया। अभी ये ग्राउंड फ्लोर है सबसे नीचे वाला, इधर कोमल और इनका दोनों का नंबर एक साथ आ गया। यहाँ पर जो है ना, ये सबसे छोटे वाले हैं, आप इनको सबको जानते हैं मेरी फैमिली में। तो बस बुआ एक एक करके हर फ्लोर पे नीचे उतरती आ रही थी। एक्चुअली मैं बुआ को आज जल्दी जाना है, बुआ के घर से भी फ़ोन आ गया था, बुआ कल आई थी ना, तो उनको जाना है आज ज़रूरी। तो बस इसी वजह से ना बुआ थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी कि मैं टाइम से निकल जाऊँगी तो ठीक रहे। बुआ 500 का तो बुआ दे दे खुले। तो जी सबसे लास्ट में नंबर आया पापा का, वैसे तो सबसे पहले आना था, लेकिन पापा थे नहीं घर पे, कहीं गए थे काम से, तो बस इसी वजह से सबसे लास्ट में आज पापा का नंबर आया था। और हम भी यही सोच रहे थे कि मतलब वेट कर लें पापा का, लेकिन थोड़ी कहीं गए थे ज़्यादा ज़रूरी काम से, तो नहीं आ पाए थे, तो बस इसीलिए अब जो है ना लेट हो गए थे हम लोग। पापा की राखी जो है ना लास्ट में बंधी, और सबसे पहले जो है ना मतलब उर्वी के पापा को और मुझे ही बंध गई। तो जी अब मम्मी का नंबर आ गया। कै रुपये की थी? ले तो फिर 5 आती, 4 आती। सो जी अभी बारी आ गई थी वंश की, तो वंश को आप जानते ही हैं, बड़ी वाली दीदी का बेटा है,
तो हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा यही है, तो इसका नंबर आ गया था। और इस तरफ बुआ अभी अभी आई हैं, उधर से सबको राखी बांध चुकी हैं, बस अभी यहाँ पर आ गई हैं। तो जी वंश को बांधने के बाद सीधा जो है ना दीदी को बांधेंगे, क्योंकि क्या है ना भाई साहब हैं नहीं, वो गए हुए हैं ड्यूटी। आज के दिन भी उनकी ड्यूटी थी, कुछ पता नहीं था, कुछ अर्जेंट था तो उनको जाना था ज़रूरी। तो बस यहाँ पर दीदी बांधने वाली है, बस यहाँ पर दीदी का नंबर आ गया बांधने। राखी दिखा अपनी, राखी कहाँ है? अरे वाह, सीधी दिखा सीधी। नन्नो के कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, है ना? मैं तेरे कपड़े ले लूं, तेरे कपड़े ले लूं। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं करीब 10 और 10 बज गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। तो देखिए ये ले आई थी, ये है सरप्राइज आप सबके लिए। और अभी अभी बस रेडी हुई हूँ, ये भी हो गए हैं रेडी, बस हम लोग जो है ना निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, बस निकलना ही बाकी रह गया है। बाकी बुआ ने सबको राखी बांध दिया, सबका हो गया है। वीडियो में आप सब लगा मेरा जो सूट निकलने वाले हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना बुआ वगैरह सब आ गई हैं, फ़ोन भी आया था तो बुआ वगैरह सब आ गई। तो बस चलते हैं, और नेल पेंट देखो अब लगाइए चलते वक्त। ये देखो, हेलो, ये देखो उर्वी भी रेडी हो गई है। उर्वी की फ्रॉक कैसी लग रही है बताइए कमेंट बॉक्स में। और धैर्य, इसने साई देख लो कैसी कर रही है, सारी साई जो है ना बिल्कुल बेकार कर रही है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये वाला सूट जो है ना मैं आपको लेकर आई थी, जब आप सबको दिखाया नहीं था, बोला था कि सरप्राइज़ है। तो ये जो फ्रॉक है जो अब चल रही है ना फुल घेर वाली, तो घेर तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत अच्छा लग रहा था सूट जो है ना, बहुत प्यारा लगा मुझे। अच्छा, मैं मतलब एक बार देखती जो चीज़ बन पड़ाती ना वो थी ये, जैसे भी पसंद आ जाता है, जैसे मतलब हाँ ये चीज़ बहुत सुंदर है। तो मेकअप मैंने यूजुअली जो मतलब नॉर्मल मेकअप है वही किया था, थोड़ा आई शेड लगाया था, लाइनर लगाया था, बस लिपस्टिक लगाई थी, बिंदी लगाई थी, और अपना जो डेली का सिंदूर है वो लगाया था। बाकी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो होता है वो तो नहीं किया था, और बेस बनाने के लिए भी बस कुछ नहीं किया, बस यूजुअली जो मैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि आप सबका जो फर्स्ट ओपिनियन होता है ना वो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो बस मैं इसलिए पूछना चाह रही थी, आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मैं बिल्कुल पास से अपना मेकअप। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने घर, तो मतलब मायके पहुँच गई थी, और जब पहुँची ना तो तब तक मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप सबको पता ही है रो क्यों रही थी। तो सबसे पहले राखी जो है ना हम अपने पापा को बांधते थे जाकर, तो पापा को राखी इसलिए बांधते थे, मतलब बहन जो है ना हम ही थे, जो थे बेटी बहन हम ही थे, तो मतलब बहन तो हैं पापा की, लेकिन बहुत दूर शादी हुई थी उनकी, इस वजह से नहीं आ पाती थी, और इसलिए हम हमेशा अपनी बुआ को मिस करते थे। लेकिन इस बार बुआ ज़रूर आई थी, और इस बार उनका आना ज़रूरी था तो इसलिए आई थी, वैसे हमेशा नहीं आ पाती हैं क्योंकि बहुत दूर शादी हुई है। सो फ्रेंड्स, बस मैं यहाँ पर जो है ना अभी सबसे पहली राखी जो है ना पापा को बांधने के बाद जगदीश को बांध रही हूँ, मेरा भाई। तो मेरे भाई से आप सब पहले भी मिल चुके हैं, तो यहाँ पर जो है ना राखी, खाना पीना हमने अभी तक नहीं किया था, मतलब मैं आई उस तब तक जो है ना सब लोग आ चुके थे, बुआ भी और बड़ी वाली दीदी सोनिया, मतलब सब आ गए थे, मैं बाद में ही पहुँची थी। तो जी भाभी तो है नहीं, लेकिन एक प्यारा सा भतीजा है, तो अब इसका नंबर है राखी बांधने का। तो देखिए कितना खुश होता है आने के बाद ना, ये बहुत खुश होता है राखी बांधने पे, तो मतलब ये को वेट ऐसे ना देकर क्योंकि मेरे द्वारा आ जाना, मैं भी ना देती हूँ तुम्हारा ऐसी चले। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर बड़ी मम्मी के घर पे। तो बड़ी मम्मी के घर आप सबको शायद पहले भी मैंने व्लॉग में दिखाया है, तो ये हैं सबसे बड़े वाले भाई हमारे, सबसे बड़े हैं, मतलब इनसे बड़ी दो बहनें हैं, मतलब एक दीदी हैं, फिर उनके बाद भाई हैं, फिर उनके बाद दो दीदी और हैं, फिर भाई हैं। तो भाई ये बलराज भाई हैं, आप सब इनसे पहली बार ही मिल रहे होंगे, राजकुमार से तो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन ये भाई बड़े वाले इनसे आप पहली बार मिल रहे होंगे। तो इनका आज ऑफ नहीं था, तो ये ड्यूटी से ही आए हैं और लंच में आए हैं, तो यहाँ पर जो है ना हम सबसे राखी बंधवा रहे हैं। और इनकी बड़ी बेटी जो है ना 18-19 साल की है, कमजोरी है मां, जितना हम पापा को समझते हैं ना इतने ही ये भी हैं, तो पापा के बराबर हमारे बाप समान ही हैं ये। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना अब मेरा नंबर आया था राखी बांधने का, यहाँ पर तो सबने राखी बांध ली थी, बस मेरा नंबर लास्ट था, तो बस यहाँ पर जो है ना सबको राखी बांधने के बाद हम लोग जो है ना थोड़ी।
थोड़ी सी हंसी मजाक मस्ती में लग गए थे, क्योंकि आप सबको पता ही है इतने दिनों बाद सब मिलते हैं ना, तो बहुत ही खुशी होती है पूरा परिवार जब एक साथ होता है ना। तो हमारा और इनका घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो हमें जो मतलब ये लगा लो कि कन्वेंस से आना पड़ता है तो दूर ही होगा। तो ये हैं बुआ, बुआ से तो आप पहले भी मिल चुके हैं, मतलब ललित की शादी में गए थे तब मिले थे, तो बुआ जो है ना पहले ही आ गई थी, और अभी मतलब राखी से दो दिन पहले। तो ये हैं माँ, माँ से आप मिल चुके हैं पहले, माँ को भी मैंने दिखाया है अपने ब्लॉग में बहुत बार। तो यहाँ पर जो है ना बुआ राखी माँ को भी बांध रही, ब्रेसलेट से लगे हैं ये सही। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मेरा नंबर था राखी बांधने का भाभी को, और मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला सोनिया को, तो मतलब उसने वीडियो पता नहीं किस तरीके से बनाई कि मेरा मेरे फेस ही नहीं आ पाया, मतलब ना भाभी का आया ना मेरा फेस आ पाया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब किस तरीके से बनाई गई वीडियो, आधा फेस आ रहा आधा नहीं आ रहा। सो बस यहाँ पर जो है ना बस सबको मिल के ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाली खुशी जो है ना जाहिर नहीं की जा सकती, जो खुशी होती है ना मतलब सब अच्छे से रहें सब एक साथ रहें तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है ना अभी आया था मंजू का नंबर, तो मतलब मेरी बड़ी वाली बहन मंजू आप सब ने देखी है पहले भी, तो ये भाई को राखी बांध रही है। और उस टाइम पे जो है ना जब घर पे आई थी ना ये बहुत लेट आई थी, तो जल्दी जल्दी भागते हुए मतलब वहाँ राखी बांध के जगदीश को फटाफट से यहाँ आ गई, तो इसी वजह से ना इसको बहुत देर हो गई थी, इसीलिए फटाफट से हम लोग भाग के यहाँ पर आ गए थे, तो इसलिए इसका जो वीडियो शूट है ना वो वहाँ पर नहीं हो पाया था, तो बस यहाँ पर आकर इसका वीडियो शूट किया। दोनों तो एक एक भाभी आ जाओ बन गई सोजी। बस थोड़ी मस्ती मजाक के बाद है ना हम लोग फिर से लग गए थे यहाँ पर जो है ना, मतलब धैर्य को राखी बन रही थी, धैर्य की इतनी सारी बहनें थी ना, तो ये बलराज भाई की बड़ी वाली बेटी है, तो मतलब भाई आप सबने पहली बार देख ही लिए हैं, उनके बच्चे भी देख लो, ये उनकी बड़ी बेटी है अलका नाम है इनका, मतलब हम प्यार से अलका बोलते हैं। और उसके बाद जो है ना ज्योति है, मतलब सबसे पहले तो ये तानी है, तानी सोनिया बहन है ना मेरी, उनकी बेटी है ये, तो धीरे धीरे आप सब पहचान ही जाएंगे, जब ब्लॉग में आप लोग देखेंगे ना तो सब पहचान ही जाएंगे। और धैर्य को देखो इतने अच्छे से इतने इजी तरीके से राखी बनवा रहा था कि मतलब इसको कितना अच्छा लग रहा था, इसका हाथ भरा भरा ना साइड में फ़ोन को रख दिया, और बस इसको ये लग रहा था कि हाँ सारी बहनें मुझे राखी बांध रही है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में बहुत ही खुशी हो रही थी कि मतलब इसको देख के ना बहुत हंसी, जो बहुत मतलब बहुत जो खुशी होती है ना वो सामने आ रही थी। सो यहाँ पर जो है ना अब ज्योति का नंबर है, ये बलराज भाई की छोटी बेटी हैं, तो ये अलका से छोटी हैं, तो मतलब ये इस वक्त जो है ना पढ़ाई ही कर रही हैं और साथ के साथ जॉब भी करती हैं। और अभी जो है ना किसी का मन होता है जॉब करने का और किसी का मन होता है घर में रहने का, तो बड़ी वाली बेटी हैं उनको घर में ज़्यादा सही लगता है, लेकिन पढ़ाई वो घर से ही करती हैं, लेकिन ये जॉब भी करती हैं पढ़ाई के साथ साथ। सो यहाँ पर बच्चे आपस में राखी बांध रहे थे, ये सोनिया की छोटी बेटी हैं, मतलब मेरी बहन की, कहने का मतलब मेरी बहन जी, तो यहाँ पर जो है ना ये भी धैर्य को राखी बांध रही थी, और धैर्य जो है ना इससे अच्छे से राखी बंधवा रहा था, ये देखो कितना खुश हो रहा था, बोल रहा था इसमें भी बांध दो, और कितना खुश हो रहा था। सो अभी जो है ना बस यहाँ पर अभी हम आ गए हैं बाहर, तो यहाँ पर भाई का नंबर था, अब आप राजकुमार भाई से मिल ही लेंगे, तो राजकुमार भाई से आप पहले भी मिल चुके हैं, तो ये इनकी वाइफ हैं, भाभी हैं हमारी, और मतलब इनसे आप शायद ललित की शादी में गांव में मिले भी थे, मैंने मिलवाया भी था। सो बस अभी जो है ना इनको ड्यूटी जाना है, तो ये जल्दी आ गए थे ससुराल से अपनी, तो फटाफट से हमारी वजह से जल्दी आ गए थे, और अभी जो है ना इनको जाना है, तो बस यहाँ पर हम लोग साथ साथ तो हंस भी रहे थे, और साथ साथ जो है ना राखी भी बन रही थी। भाभी तुम भी देखो चुप रह ले।
चुप रह ले नहीं तो छोड़ दूंगी यही फोन हाथ से। लेरी बुरी 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 सो जी बस यहाँ पर जो है ना मेरे बाद मंजू का नंबर और उसके बाद जो है ना फिर दीदी रानी और सोनिया मतलब सबका नंबर एक एक करके जो है ना आता रहा। बस हम सब ने एक एक करके सबको राखी बांधी फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी सी हंसी मजाक मतलब लेट जाते जाते ना इतना लेट हो गया था घर वापस जाने में ना हमें करीब 8 ही बज गए थे। सो बस यहाँ पर जो है ना मंजू ने राखी बांध दी थी भाई को भी और भाभी को। भाई कुछ बोल रहे थे इसके बारे में ना तो मतलब हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो कुछ होती हैं जो मतलब हंसी मजाक किसी किसी की आदत होती है ना तो भाई की वही आदत है और भाई जो है ना अपनी बातों से सबको हंसाते भी हैं बहुत हंसी आती है इस मामले में ना बहुत ज़्यादा। तो शायद मिठाई खाते खाते उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कितनी सारी मिठाई खा ली और मिठाई तो होता ही है कि आज के दिन ना छिक से जाते हैं मिठाइयों से बहुत ज़्यादा। नुगारा दादी नमस्ते। कौन सी आइसक्रीम खा रहा है? कौन सी बता दे कौन सी आइसक्रीम खाएगा? नुगारा तुम्हारी आदी छोड़ना है ऐसा मत कर। हाँ उसे वहीं से पैसे भिजवा दो पागल है क्या? दादी नमस्ते। नमस्ते बाबू नानी से नमस्ते करो। नानी जी से सो जी यहाँ पर लास्ट में नंबर आया था बुआ का तो बुआ को जो है ना सर में मेहंदी लग रही थी और बुआ जो है ना यहीं पे बुला रही थी भाई को तो भाई यहीं पे उठ के आ गए थे। तो मतलब मेहंदी जो है ना उनको सर में पता नहीं हरी है काली है शायद हरी मेहंदी है वो लगवा रही थी तो उनको लगवानी थी क्योंकि जो है ना रानी दीदी की बेटी है ना उनको पार्लर आता है बहुत अच्छे से और वो बहुत अच्छा काम करती हैं पार्लर का सारा काम आता है उनका खुद का पार्लर भी है। तो बस यहाँ पर जो है ना उन्होंने ही मेहंदी लगवा रही थी ये और मेहंदी लगवाते लगवाते बोल दिया कि मैं नहीं आ रही हूँ तू ही आ जा इधर। तो बस यहाँ पर जो है ना भाई यहीं पर आ गए और अभी जो है ना बुआ रुकेंगी शायद कल तक जो है ना रुकेंगी क्योंकि जब बुआ आती है ना दूर से रहती हैं मेरठ रहती हैं तो बस आती हैं तो 2-3 दिनों के लिए तो आती हैं। सो फ्रेंड्स ये सीधा नेक्स्ट डे है मतलब 8:15 बज गए और मैं अभी आकर ही बैठी हूँ। आते आते ना वही टाइम हो गया था मतलब हम एक दिन रुके थे कल तो बहुत रात हो गई थी वहाँ से आते आते घर से उसके बाद आकर घर आ गए और फिर अभी जो है ना बस अपने घर पहुँची हूँ ससुराल में। तो नेक्स्ट डे आए हैं हम और सुबह का व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी इसको इसलिए इसी में जोड़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।